तो घुड़ा हमारा सीधा रहेगा और खुटा हमारा एकदम तना हुआ रहेगा। ये है शलभासन। शलभासन एक एक पैर से ही, एक एक खुटा से करें। जिनको भी धाड़ में दर्द है, जिनको धाड़ दर्द नहीं है, वो साथ में बाद में। और अब श्वास अंदर भरते हुए देवरा पैर ऊपर उठाएंगे, जितना उठ सके, थोड़ी नीचे जमीन से लगी हुई रहेगी। तो जिनको धाड़ में दर्द नहीं है वो अभी दोनों पैरों से एक साथ अभ्यास करेंगे, वरना एक एक खुटा से अभ्यास करें। श्वास छोड़ते हुए बाहर, खुटा नीचे, और अब श्वास अंदर भरते हुए दोनों खुटा एक साथ ऊपर। शलभासन ये भी कमर दर्द में बहुत लाभकारी है। कमर दर्द वालों को कम से कम 5-5 बार डेली करना चाहिए, और धार दर्द में और साथ में विशेष रूप से ऐसे भी लाभ करता है कि महिलाओं में यूट्रस के लिए लाभकारी रहता है, पुरुषों में प्रोस्टेट के लिए लाभकारी रहता है। चलिए ये 3 अभ्यास हुए पेट के बल लेट करके, अब 5 अभ्यास धार के बल लेट करके। तो धार के बल लेट करके सबसे पहला अभ्यास है मरकटासन का अभ्यास। इस अभ्यास के लिए दोनों खुटा कूड़ा से मोड़ लीजिए और दोनों हाथ अपने पार्श्व भागों में साइड में खोल लीजिए। और अब दोनों पैर आपस में, खुटा आपस में मिले हुए हैं, श्वास अंदर भरते हुए दाएं तरफ दोनों खुटा झुका लेंगे। दाया घुड़ा जमीन पर तो देवरा घुड़ा दाएं घुड़ा के ऊपर, और घाटी बाएं तरफ मोड़ करके देवरी हथेली को, हथेला को देखेंगे। वापस, और इसके पश्चात फिर देवरी तरफ मोड़ेंगे। अब जिनको भी कमर दर्द है, ये आसन बहुत ही सरल है। जिनको भी धार में दर्द रहता है उनके लिए ये बहुत ही सरल अभ्यास है। देवरी तरफ अब आपके दोनों खुटा झुके हुए हैं, देवरा घुड़ा जमीन पर, दाया घुड़ा देवरे घुड़ा के ऊपर, घाटी को दाई तरफ घुमा करके दाया अकेला को देखें। इस अभ्यास को कम से कम 5-7 बार भी अगर आप डेली करेंगे तो जैसे कहते हैं राम बाण, ये राम बाण उपचार है कमर दर्द का, धार दर्द का। वापस, और अब फिर से एक बार दाई तरफ दोनों घुड़ा को झुका लेंगे, दाया घुड़ा जमीन पर, बाया घुड़ा दाएं के ऊपर, घाटी को देवरी तरफ मोड़ करके देवरी हथेला को देखेंगे। श्वास अंदर भरते हुए हम अपने घुड़ाओं को झुकाते और श्वास बाहर छोड़ते हुए बीच में वापस आ जाते हैं। एक बार फिर से श्वास अंदर भरते हुए दोनों घुड़ा को तैवरी तरफ झुका लेंगे और घाटी को दाएं तरफ घुमा करके दाएं हथकेला को देखें। देखिए अगर आप अभ्यास करोगे तो फिर आपकी आवाज कैसे निकलेगी, और अगर आपकी आवाज निकल रही तो मतलब आप अभ्यास नहीं कर रहे। जब इतना समय लगा रहे हैं तो हमें कर ही लेना चाहिए। वापस, ये तो था मरकट आसन का पहला अभ्यास। अब मरकट आसन का दूसरा अभ्यास, ये भी कमर दर्द के लिए, थार दर्द के लिए बहुत उपयोगी है। दोनों खुटा में थोड़ी सी दूरी बना लीजिए और फिर से दोनों घुड़ा को दाई तरफ झुका करके दाया घुड़ा जमीन पे, तो बाया घुड़ा दाए खुटा के ऊपर, और देवरी तरफ घाटी घुमा करके देवरी अकेला को देखेंगे। श्वास बाहर छोड़ते हुए फिर से बीच में वापस, और श्वास अंदर भरते हुए अब इसी तरह से देवरी तरफ झुका लीजिए और आपकी घाटी दाई तरफ घुमा लीजिए। तो किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार का धार में दर्द हो, वापस आ जाएंगे। इन अभ्यासों से पूरा लाभ मिलता है। और फिर से घुड़ा दाई तरफ और घाटी देवरी तरफ, वापस, और श्वास अंदर भरते हुए घुड़ा देवरी तरफ और घाटी दाई तरफ, वापस। अब दोनों पैरों को आगे खोल लीजिए
मरकट आसन का तीसरा अभ्यास, श्वास अंदर भरते हुए दायां कुटा ऊपर उठाएंगे, घुटना सीधा रखेंगे और उसे देवरे हाथ पर ले जा करके रख देना है। पहुंचा? देखो देखो पहुंचा के नहीं पहुंचा, कुछ लोगों का तो आसमान में, हाथ अपनी जगह पर ही रहेगा, घुटना जितना जा सके उतना ले जाइए। वापस, और अब देवरा उठा ऊपर उठा लीजिए, दाएं हाथ हथकेला के ऊपर रख लीजिए, घाटी देवरे तरफ घुमा करके देवरे हथकेले को देखेंगे। वापस, ये हुआ मरकट आसन का अभ्यास। मरकट आसन के बाद पवन मुक्त आसन। तो चलिए पवन मुक्त आसन के लिए दोनों पैरों को खोल लीजिए एकदम शांत, और दाएं घुटने को मोड़ करके दोनों हाथों को इंटरलॉक बना लीजिए, इंटरलॉक कर लीजिए दोनों हाथों के हथेला के बीच में, दाएं घुटने को फंसा करके श्वास को बाहर छोड़ते हुए घुटने को छाती तक लेकर के आए। जिनको धार दर्द है वे लोग तो घाटी ऊपर ना उठाएं और सर्वाइकल स्पॉन्डलाइटिस वाले भी ना उठाएं, बाकी सब लोग घाटी को ऊपर उठाते हुए नाक से अपने घुटनों को स्पर्श करें। कैसे 15 से 25 सेकंड तक आप रोक लें तो पूरा लाभ होगा। वापस, अब ये अभ्यास देवरे घुड़ा से, तो देवरा घुड़ा मोड़ते हुए दोनों हथकेलों के बीच में रखते हुए हथकेलों के प्रेशर से श्वास बाहर छोड़ते हुए घुड़ा छाती की तरफ और घाटी ऊपर उठा करके नाक से घुड़ा को स्पर्श करें। वापस, और एक एक हमने कुट्टा से किया, अब दोनों से एक साथ करते हैं। तो दोनों घुड़ा मोड़ लीजिए अब, और दोनों हाथों के हथकेलों के बीच में घुड़ा को फंसाते हुए श्वास बाहर छोड़ते हुए छाती की तरफ लेकर के आए। वापस, तो ये हुआ पवन मुक्त आसन का अभ्यास। अब इसके बाद कमर के बल लेट करके, धाड़ के बल लेट करके तीन अभ्यास और बचे हैं, और इन तीन अभ्यासों के लिए दोनों कुटा को आगे खोल लीजिए, श्वास अंदर भरते हुए दाया कुटा ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे। अर्ध हलासन का अभ्यास, एक एक कुटा से अब देवरा ऊपर और नीचे। तो जिनको धार दर्द है वो ऐसे एक एक से करें, जिनको नहीं है वे दोनों कुटा एक साथ ऊपर उठाएं, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे। तो जिनको भी पेट पर मोटापा है, नितंबो थाइस पर है, बट पे है, जहां भी है, धार से नीचे का पूरा मोटापा इस अभ्यास से झड़ जाएगा, परंतु बातें करने से कुछ नहीं होगा। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे। वापस, अब दूसरा अभ्यास पाद वृत्तासन का अभ्यास। दाएं पैर से पहले देवरी तरफ से दाएं तरफ घुमाएं, पाद वृत्तासन अर्थात पैर से सर्किल बनाना, घुड़ा सीधा रखें, 3 से 5 बार अभ्यास कर लें, और अब विपरीत दिशा में अपने पैर को घुमा लें। यही अभ्यास अब देवरे पैर से, और फिर अब विपरीत दिशा में, और अब दोनों पैरों से, दोनों घुटा से एक साथ देवरे से दाएं तरफ, श्वास गहरा और लंबा लेते रहिए, घुटा एकदम तना हुआ रखे, घुड़ा सीधा रखे, विपरीत दिशा में घुमा लीजिए अब 3 से 5 बार। जो बिल्कुल नए अभ्यासी हैं वे 1 से 3 बार कर लें और फिर करके थोड़ा विश्राम कर लें, और जो पुराने थोड़े वो 3 से 5 कर लें, और पुराने भी हैं और साथ में मोटापा कम भी करना चाहते हैं तो 10-10 बार तक करें। अभी तो अपना ये 7 दिवसीय शिविर है, डेली चलेगा, और आप रोज करके इससे
अनंत लाभ उठा सकते हो। अब आते हैं 12वें अभ्यास के ऊपर जो कि है द्विचक्रिकासन। द्विचक्रिकासन अर्थात साइकिलिंग। तो जिनको धाड़ में दर्द है वो ऐसे एक एक फुट्टा से साइकिल चलाएंगे, पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की दिशा में और फिर विपरीत दिशा में पीछे की तरफ। गहरा लंबा श्वास, श्वास गहरा लंबा लेते जाएं। ये तो हुआ एक एक पैर से एक एक खुट्टा से, और अब दोनों खुट्टा से एक साथ भी कर सकते हैं। तो जिनको धार दर्द है वे लोग एक एक खुट्टा से करें, और जिनको धार दर्द नहीं है वो दोनों खुट्टा से एक साथ कर लें। अब विपरीत दिशा में, पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में थे अब रिवर्स डायरेक्शन में। गहरा और लंबा सांस, विश्राम, रुक जाएं, इसी दूरी पर रखें और हथके लिए आसमान की दिशा में खुले हुए रहें। दोनों पैरों को आगे खोल लें, घुटनों को खोल लीजिए, उड़ा मुड़े नहीं रहेंगे, शांत। और जो लोग बैठे हुए हैं वे लोग भी आंखें बंद कर लीजिए। अब सब फोन नीचे रख दीजिए, फोन नीचे। शवासन का, शवासन में ध्यान का आनंद लीजिए। जो भी बोल रहे सभी लोग शांत हो जाएं। श्वासों के ऊपर अपनी आती जाती श्वासों के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित कर दीजिए। अपनी श्वासों को देखिए, फिर और जैसे ही आप अपनी श्वासों के ऊपर अपने ध्यान को लेकर के जाएंगे, श्वासें आपकी लंबी हो जाएंगी, गहरी हो जाएंगी। अभी जो अभ्यास थे उनसे आपकी श्वासें तीव्र गति से चलने लगी थी, अब वो शांत हो रही है। हृदय भी, मुड्डू भी तीव्र गति से चल रहा था, वो भी धीरे धीरे शांत हो रहा है। और जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोग आंखें बंद कीजिए, सीधे बैठिए, कोई पीछे नहीं मुड़ के बैठेगा, सभी लोग सीधे बैठे और कोई टेढ़ा भी नहीं बैठेगा। और अब धीरे धीरे एक एक अंग के ऊपर अपने ध्यान को लेकर के जाना है, ताकि हम अपने शरीर के सारे अंगों को शिथिल कर सकें, ढीला छोड़ सकें। तो सबसे पहले अपने खुट्टा के ऊपर ध्यान लेके जाएंगे, अपने खुट्टा में बूढ़ी आंवला, और एक एक फिर सारी आंवलाओं के ऊपर ध्यान देते हुए ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए, शिथिल विश्राम दीजिए। और इसके पश्चात अब अपने पैताला, कुरकुचा, सबको ढीला छोड़ते विश्राम, पिंडली, बूढ़ा, जंगा, ध्यान लेकर के आए अपने हिप्स के ऊपर, सबको शिथिल कर दीजिए। धार से नीचे आपके दोनों खुट्टा पूरे शिथिल हो चुके हैं, कोई उनमें तनाव नहीं है। और अब अपने ध्यान को अपने धार के ऊपर लाएं। धार में आपकी जो मेरुदंड है उसके एक एक मन के ऊपर ध्यान को लगाते हुए पूरी नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ हम चलेंगे, तले से माथे की तरफ, और एक एक मेरुदंड के मन के को हम ढीला छोड़ते जाएंगे, विश्राम देते जाएंगे। सारा कमर से तनाव, धार से तनाव दूर करते हुए अब अपने कुंभ के ऊपर आए, दोनों कुंभ ढीला छोड़ते हुए, शिथिल करते हुए अब अपने दोनों हाथ, बाजुएं, कोइना और आपके हाथ, आपकी घाटी, नाड़ी के साथ हथकेला, बूढ़ी आंवला, टोर आंवला, मांझी आंवला, सभी आंवला ढीले शिथिल छोड़ दीजिए। पांचों आंवला शिथिल छोड़ते हुए अब आपके दोनों हाथ भी ढीले छूट चुके हैं। घाटी के ऊपर अपने ध्यान को लेकर के आए, और घाटी पे ध्यान को लाने के पश्चात उसको शिथिल करते हुए अब अपने मस्तिष्क की तरफ चलिए। आपका ब्रेन, दाया और देवरा दोनों भागों को शिथिल करते हुए, अपने पूरे खोपड़ी को शिथिल करते हुए अब अपने निदार तक आ जाइए।
निदार को भी शिथिल कर देंगे और इसके पश्चात अपने आंखी भाव को शिथिल करते हुए आंखों को भी शिथिल कर दें, ढीला छोड़ दें। अब अपने ध्यान को अपने नासिका पर लाएं, दोनों स्वर दाया और देवरा दोनों स्वर को ढीला छोड़ते हुए अब अपने दोनों गालों को, अपनी थोड़ी को, दोनों कानों को, ऊपर और नीचे के होठों को, जबरा को, तंत्र तालु को, सबको शिथिल करते हुए अब अपने गले में आ जाएं और गले में आपकी जो श्वास नली है उसको ढीला छोड़ दीजिए और उसको शिथिल करने के बाद अब अपने ध्यान को अपने दोनों फोक्सों की तरफ लेकर के जाएं। दायां और बायां आपकी छाती में दो फोक्से हैं, उनको शिथिल कीजिए, महसूस कीजिए और शिथिल कीजिए। उन दोनों के बीच में आपका हृदय है, उस हृदय को भी शिथिल कर दीजिए, मुटू को। और उस मुटू को शिथिल करने के बाद जो भोजन नली है, भोजन नली भी आपकी घाटी में ही है, वहाँ मुख से जुड़ी हुई है, उसके ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए और उससे अपने पेट की तरफ आ जाइए। आपका पेट और पेट की दाएं तरफ है आपका कलेजो, लीवर, उसको शिथिल करते हुए उसके नीचे एक और अंग है जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं, उसको भी शिथिल कर दीजिए। और बाई तरफ, देवरे तरफ आपकी पैनक्रियाज है और साथ में आपका स्प्लीन है, उनको भी शिथिल कर दें। फिर ये पेट आपका सानो आंद्रा से जुड़ा हुआ है, सानो आंद्रा टुलु आंद्रा से जुड़ी हुई है, उनको भी शिथिल कर दें। और मल द्वार को, जहाँ से मल द्वार त्यागते हैं, उस भाग को भी पूरा शिथिल कर दें। अब आपके फोक्सों के नीचे दाएं और बाएं तरफ धाड़ की तरफ पीछे की तरफ दो किडनियां हैं, गुर्दे हैं, उनको भी शिथिल कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। और उनको शिथिल छोड़ने के पश्चात उनसे निकलने वाली जो जो द्वार हैं, जो नाड़ियां हैं जिनके माध्यम से मूत्र आपका मूत्राशय की तरफ जाता है, वो मूत्राशय और वहाँ से निकल, मूत्राशय से आपका कनेक्टेड है मूत्र द्वार से, और साथ में आपकी जननेन्द्रियां, इन सब को शिथिल कर दीजिए। अब आप देखिए निदार से लेकर के कुटा तक आपका पूरा शरीर शांत हो चुका है। फिर से अपनी श्वासों के ऊपर अपने ध्यान को लेकर के आइए और फिर से आप महसूस करें, एक एक श्वास आपके नासिका से प्रवेश करती हुई आपकी एक एक कोशिका तक विस्तार ले रही है, पहुंच रही है। पैर के कुटा के आपके गुड़ी आंवला से लेकर के कांची आंवला तक एक एक कोशिका तक रक्त का संचार हो रहा है और उस रक्त संचार के माध्यम से उस प्राण का भी विस्तार हो रहा है जो आप नासिका से धारण कर रहे हैं। और इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा की अनंत ऊर्जा व्याप्त है, उसी ऊर्जा से इस संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है। एक एक कण में परमात्मा की व्याप्ति है। प्रत्येक श्वास के साथ मेरे संपूर्ण अस्तित्व के अंदर भी परमात्मा की उस ऊर्जा का संचार हो रहा है जो मेरी समस्त प्रकार की थकान, समस्त प्रकार की दुविधाओं को और दुखों को दूर कर रहा है। प्रत्येक प्रश्वास के साथ मात्र वायु बाहर नहीं जा रही, अपितु मेरे सारे दुख, दुविधाएं, हताशाएं, निराशाएं, सारे दुर्भाव, दुर्विचार भी बाहर जा रहे हैं और मेरे संपूर्ण व्यक्तित्व के अंदर परमात्मा की उस ऊर्जा का संचार हो रहा है, विस्तार हो रहा है। इस भावना के साथ परमात्मा से ही प्रार्थना कि हे प्रभु, आपने जो आनंद मुझे अभी दिया है, जिस आनंद को मैं क्षण प्राप्त कर रहा हूँ, उस आनंद में मैं प्रत्येक क्षण बना रहा हूँ, ऐसा सामर्थ्य प्रभु दे दीजिए। प्रभु अपनी शरण में ले लीजिए कि आज का पूरा दिवस मेरी इसी शांत अवस्था में व्यतीत हो, एक भी क्षण मैं क्रोध ना करूं, द्वेष ना करूं, घृणा ना करूं, एक भी क्षण मैं हताश ना रहूं, निराश ना रहूं। हे प्रभु, आप अपनी शरण में ले ले तो आपकी ही ऊर्जा से जो समस्त संसार का संचालन हो रहा है, मैं भी उसका एक भाग हूँ, मैं भी ऊर्जा का एक स्रोत बन जाऊँ। प्रभु, ये जो आनंद मुझे इस क्षण मिला है, ये जो शांति मुझे इस क्षण प्राप्त हुई है, ये जो विचार इस क्षण शांत हो चुके हैं, मन में एक भी विचार उत्पन्न नहीं हो रहा और मुझे शांति की अनुभूति हो रही है, किसी भी प्रकार का मेरे मन पर कोई बोझ नहीं है, प्रभु मैं इन्हीं भावों में जीना चाहता हूँ और ये आप ही के सामर्थ्य से संभव है।
तो ऐसी शक्ति ऐसा सामर्थ्य प्रभु मुझे दीजिए कि मैं एक भी क्षण आपसे दूर ना रहूं, एक भी क्षण मैं हताश ना रहूं, एक भी क्षण मैं क्रोध में, द्वेष में, घृणा में, हिंसा में, अधर्म में नष्ट ना करूं। प्रभु प्रभु से यही प्रार्थना करते हुए स्वयं भी संकल्प लेंगे कि आज का शेष दिवस मुझे ईश्वर के इसी आनंद और उत्साह में व्यतीत करना है, एक भी क्षण मुझे हताश या निराश नहीं होना।